नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। यह है हमारी मेडिकल हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का यह है हमारा चैप्टर नंबर 2, नॉर्दर्न इंडिया एज ऑफ थ्री अंपायर्स। देखिए, पिछले पार्ट में हमने पालास के बारे में पढ़ा था और हम पढ़ने वाले हैं प्रतिहारास के बारे में और राष्ट्रकूटास के बारे में। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका सोर्स बता दूं। इसका सोर्स है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिहारास के बारे में। जो प्रतिहारास है, बेसिकली उन्होंने काफी समय तक रूल किया कन्नौज के ऊपर। ठीक है, काफी समय तक उन्होंने कन्नौज के ऊपर रूल किया और ये जो प्रतिहारास है इनको गुज्जर प्रतिहारास भी कहते हैं। देखिए, कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है जो प्रतिहारास है बेसिकली इनका ओरिजिन जो है वो गुज्जर से हुआ और गुज्जर जो थे वो पास्टोरेट से और फाइटर्स से, जस्ट लाइक द जाटों की तरह ही ये फाइटर्स और पास्टोरेट्स कम्युनिटी थी। ठीक है, देखिए ये जो प्रतिहारास है ना, इनकी सीरीज ऑफ प्रिंसिपैलिटीज थी बिटवीन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न राजस्थान। प्रिंसिपैलिटीज का मतलब, देखिए सपोज कीजिए राजस्थान का इलाका है, ठीक है, और इस छोर से लेकर इस छोर के बीच में इनके छोटे छोटे अपने हिस्से थे। ठीक है, सीरीज में कुछ अपने अपने हिस्से थे जिन पर ये बेसिकली रूल किया करते हैं। ठीक है, ये जो प्रतिहारास है ना, बेसिकली ये राष्ट्रकूटास से लड़ते रहते थे मालवा और गुजरात के लिए और बाद में इन्होंने कन्नौज के लिए भी लड़ाई लड़ी। ठीक, नाउ देखिए, जो प्रतिहारास हैं इनकी जो पहली कैपिटल थी ना वो थी भीनमार और इन्होंने इसको गेन किया अंडर नागभट्टा 1। नागभट्टा 1 के अंडर इन्होंने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की, फर्स्ट कैपिटल स्टैब्लिश की वो थी भीनमार में। ठीक है, नाउ देखिए, ये भीनमाल था ना, बेसिकली इसने बहुत टफ रेजिस्टेंस दिया अरब रूलर ऑफ सिंध को। मतलब इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया जो सिंध के अरब रूलर्स थे, बेसिकली इनको काफी टफ टाइम दिया ये नागभट्टा 1 ने। ठीक है, और बाद में जो सिंध के रूलर्स थे ना, इस सिंध के जो रूलर्स थे अरब रूलर्स, ये ट्राई कर रहे थे राजस्थान पर, गुजरात पर और पंजाब पर कंट्रोल करने के। ठीक है, देखिए ये जो अरब थे बेसिकली ये अपने आप को एक्सटेंड कर रहे थे टूवर्ड्स गुजरात। ठीक है, लेकिन इनको बाद में हरा दिया जाता है चालुक्यन रूलर, जो चालुक्य रूलर था गुजरात का, बेसिकली इसने 738 एडी में, 738 एडी में इन अरब रूलर्स को गुजरात आने से रोक लिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो ये अरब थे छोटी छोटी लड़ाइयां जो है, छोटे 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 बैटल लड़ते रहेंगे हिंदुस्तान में एंटर करने की कोशिश करने के लिए। ये बहुत सारे बैटल्स लड़ते रहेंगे, छोटी छोटी बैटल्स जो है बेसिकली ये लड़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए ये जो प्रतिहारा रूलर्स थे ना, ये ट्राई कर रहे थे अपने एक रूल को एक्सटेंड करने की टूवर्ड्स दी मालवा एंड अपर गंगा वैली, लेकिन ये हार जाते हैं राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा 3 से और गोपाला 3 से। ठीक है, देखिए ये दोबारा से ट्राई करेंगे 790 एडी में और 806 और 807 एडी में दोबारा से ये जो है ट्राई करेंगे और ये हार जाते हैं दोबारा राष्ट्रकूटा रूलर से। ठीक है, और ये दोबारा से जो राष्ट्रकूटा रूलर्स है ना, बेसिकली ये विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को डेक्कन में और ये स्पेस दे देंगे पालास को। पालास के लिए ये पूरा गंगा वैली का जो इलाका है बेसिकली इसको छोड़ देंगे और ये जो पाला रूलर्स हैं बेसिकली ये दोबारा से टूवर्ड्स गंगा वैली की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो बेसिकली राष्ट्रकूटास हैं ये दोबारा से मालवा में चले जाएंगे और गुजरात में चले जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहे थे, गुजरात और मालवा के रीजन में अपनी डोमिनेशन बना के रखते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिहारा अंपायर है ना और इसका जो पहला रूलर है, जो ग्रेटेस्ट इसका रूलर है वो है भोजा। ठीक है, और यही इसका रियल फाउंडर भी है ऐसा माना जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, देखिए लोगों को ये नहीं पता है कि ये भोजा की अर्ली लाइफ कैसी थी और ये थ्रोन पर कब बैठा। ठीक है, लेकिन ही रिबिल्ट द अंपायर एंड इसने रिबिल्ड किया अंपायर को 836 एडी में और कन्नौज को रिकवर्ड किया। ठीक है, कन्नौज को इसने क्या किया, रिकवर्ड किया और लगभग 100 सालों तक, उसके बाद एक सेंचुरी तक, अगले एक सेंचुरी तक बेसिकली प्रतिहारास के पास कन्नौज रहेगा। ठीक है, देखिए अबे जो भोजा है ना ये ट्राई करेगा ईस्ट की तरफ, ये जो भोजा बेसिकली एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा अपने आप को ईस्ट की तरफ, लेकिन ये हार जाएगा पाला रूलर देवापाला से। जब ये पाला रूलर देवापाला से हार जाएगा ना तो ये दोबारा सेंट्रल इंडिया चला जाएगा और ये कोशिश करेगा डेक्कन और गुजरात को जीतने की। ठीक है, और ये क्या करता है, जैसे ही डेक्कन और गुजरात की तरफ अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है दोबारा से एक जंग शुरू हो जाती है बिटवीन प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। काफी समय तक इनकी जो वॉर थी बेसिकली ये स्टॉप थी, लेकिन दोबारा से इनकी जो वॉर है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे क्या होता है, इनकी वॉर होती है राष्ट्रकूटास की और प्रतिहारास की, और इस वॉर में जो भोज है बेसिकली नर्मदा नदी के किनारे जो गुजरात के कुछ इलाके और मालवा के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा जो है वो बेसिकली जमा लेता है और ये दोबारा से क्या करता है,
नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही ये मालवा और गुजरात को जीतता है, ये डेक्कन की तरफ और नीचे जाना छोड़ देता है और दोबारा से नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, कुछ कुछ अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग इसकी जो वेस्ट में बाउंड्री थी ना, वो रिवर सतलुज तक थी। ठीक है, देखिए, और ये जो अरब ट्रेवलर्स थे ना, ऐसा मानते हैं अरब ट्रेवलर्स, ऐसा मानते हैं, इनके अकाउंट्स में ऐसा लिखा गया है कि प्रतिहारा जो रूलर्स थे ना, इनकी कैवलरी जो थी वो बेस्ट थी इंडिया में। ठीक है, और कैवलरी बेस्ट रखने के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छे हॉर्सेस चाहिए। तो इन अच्छे हॉर्सेस को कहाँ से लाया जाता था, सेंट्रल एशिया से लाया जाता था और अरेबिया से लाया जाता था। ठीक है, देखिए, जैसे ही देवापाला की डेथ होती है, जो पाला रूलर है बेसिकली, इसकी जो जब डेथ होती है, तो बोजा एक्सटेंड करता है अपने अंपायर को ईस्ट की तरफ। ठीक है, दोबारा से ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, देखिए, बोजा जो था एक बहुत फेमस लेजेंड था। ठीक है, इसकी स्टोरीज आपने सुनी होगी, भोज की स्टोरीज आपने काफी सुनी होगी। ठीक है, भोज की स्टोरीज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी जो अर्ली लाइफ है बेसिकली वो बहुत ज्यादा हार्ड थी। ठीक है, और इसने दोबारा से अपने पूरे अम्पायर को कैप्चर किया, और उसके बाद दोबारा से इसने क्या किया, यूनिफाई किया अपने कैप्चर अपने अम्पायर को, और दोबारा से अपने अम्पायर को इतना बड़ा बनाया। ठीक है, और ये जो भोजा था ना, ये जो भोज था, ये डिवोटी था विष्णु का, विष्णु भगवान का ये बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, और इसने अडॉप्ट किया टाइटल अधिव्रता। ठीक है, अधिव्रता जो को टाइटल है बेसिकली, इसने अडॉप्ट किया। ठीक है, ये जो अधिव्रता का टाइटल है बेसिकली, ये कहाँ से पता लगता है कि इसने अधिव्रता का टाइटल जो है अडॉप्ट किया, कुछ कॉइन्स से बेसिकली, जो इसके टाइम पर जो इसने कॉइन स्क्रिप्ट करवाया बेसिकली, इन कॉइन पर इसकी उपाधि बेसिकली लिखी गई थी, जिसे हम किसे क्या कह रहे हैं, अधिव्रहा कह रहे हैं। ठीक है, देखिए, जो ये भोज है ना बेसिकली, इसको समटाइम्स क्या कहा जाता था, मिहिर भोजा भी इसको कहा जाता था, ताकि इसको डिस्टिंग्विश किया जाए, अलग किया जाए भोजा ऑफ परमार से, जो भोज था परमार का। ठीक है, भोजा परमार है जो उज्जैन का बेसिकली, इससे अलग किया जाए, इसलिए इसको भोज क्या कहा गया, मिहिर भोजा कहा गया। ठीक है, ये भोज है बेसिकली, इसकी मौत हो जाती है 885 AD के अंदर। ठीक है, और इसके बाद इसको सक्सीड करता है, यानी गद्दी पर दोबारा से बैठता है महेंद्रपालावन। ठीक है, महेंद्रपालावन जो इसका बेटा है बेसिकली, ये बैठता है, और ये महेंद्रपाला रूल करता है 908 AD से लेकर 908 AD तक। ठीक है, और ये मेंटेन करता है भोजा के एम्पायर को, और ये एक्सटेंड करता है ईस्ट में कहां तक, मगध यानी बिहार तक, ये अपने रूल को एक्सटेंड करता है, और नॉर्थ बंगाल तक। ठीक है, नॉर्थ बंगाल के इलाके तक ये कब्जा लेता है। ठीक है, ईस्ट में अब इनका एक्सपेंशन कहां तक है, मगध तक, और ईस्ट बंगाल तक अब इनका एक्सपेंशन है। ठीक है, देखिए, कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिनके बारे में पता लगता है, महेंद्रपाला के बारे में, और ये कहाँ मिले हैं, काठियावाड़ मिले में मिले हैं, जो गुजरात में है, ईस्ट पंजाब में, और अवध में। ठीक है, और जो महेंद्रपाला है ना, ये एक लड़ाई लड़ेगा कश्मीर के राजा से। ठीक है, और कश्मीर के राजा से जब ये लड़ता है, तो ये भोजा द्वारा जीती गई कुछ टेरिटरीज है ना, कुछ इलाके जो है बेसिकली, ये हार जाता है, और कहाँ के इलाका हारता है, ये पंजाब के जो कुछ इलाके हैं ना, ये भोज का जो बेटा है बेसिकली हार जाता है। ठीक है, ना देखिए, ये जो प्रतिहारा रूलर्स है ना, इन्होंने लगभग 100 साल तक अपना होल्ड किए रखा नॉर्दर्न इंडिया पर, लगभग 9 सेंचुरी से लेकर, 9 सेंचुरी से लेकर मिडिल ऑफ द 10 सेंचुरी तक इनका होल्ड रहा नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, देखिए, अब इसके बाद एक नेटिव था बगदाद का, जिसका नाम था अल मसूदी, ये विजिट करता है गुजरात को 915 से 916 के बीच। ठीक है, और ये बताता है कि इस समय इस प्रतिहारा रूलर की पावर बहुत ज्यादा थी, और इसकी बहुत ज्यादा प्रेस्टीज थी उस जमाने में, और इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो था वो बहुत ज्यादा वास्ट था। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि गुज्जर प्रतिहारा अंपायर को ये कहता है अल बुज्र, इसको अल बुज्र नाम से ये पुकारता है, और यहाँ के किंग को ये कहता है बुरा। ठीक है, और ऐसा माना गया कि बेसिकली जो बुरा इसने किंग को कहा, प्रॉब्ली मिस प्रोनंसिएशन था अधिवरा का, अधिवरा का जो टाइटल है बेसिकली भोज को मिला था, और ये जो बुरा वर्ड इसने किंग के लिए यूज किया, किंग बुरा जो इसने कहा, ये इसका क्या था, मिस प्रोनंसिएशन था अधिवरा वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, अब ये बताता है कि देखिए, जब ये आ रहा है हिंदुस्तान, उससे पहले ही भोज की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। मैंने आपको बताया था भोज की डेथ 885 AD में हुई। ठीक है, देखिए, उसके बाद अल मसूदी कहता है, देखिए, अल मसूदी जो यहाँ पर बगदाद से आया है, ठीक है, जो बगदाद का नेटिव है, वो कहता है कि इनकी जो इनका जो जोग्राफिकल एक्सटेंड है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, बहुत सारे गांव हैं, लगभग कितने गांव बताता है, ये बताता है कि इनके अंपायर के अंदर लगभग 1,80,000 गांव, 1,80,000 विलेजेस इनके अंडर है। ठीक है, और ये बताता है कि इनका एरिया ब्रेथ और इनकी एरिया, इनका जो एरिया है बेसिकली, इसकी लेंथ जो है वो 2,000 किलोमीटर है, और उसकी ब्रेथ भी जो है वो है 2,000 किलोमीटर की ही है। ठीक है, और जो किंग है ना बेसिकली, इसके आर्मी में 4 डिवीजन है, और हर डिवीजन में लगभग 7 लाख से लेकर 9 लाख तक की आर्मी है, मतलब बेसिकली 4 डिवीजन है आर्मी, और हर डिवीजन में करीब 7 लाख टू 9 लाख
आर्मी है। देखिए ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये फिगर्स जो है बेसिकली ये सही है या गलत है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी आर्मी में 4 डिवीजन थे और हर डिवीजन में लगभग 7 लाख से 9 लाख की आर्मी होती थी। ठीक है, बेसिकली जो नॉर्थ की आर्मी होती थी ना, ये होती थी मुल्तान के इलाके, रूलर ऑफ मुल्तान से लड़ने के लिए, और जो बेसिकली वहां के मुस्लिम रूलर्स थे बेसिकली इनसे लड़ने के लिए ये आर्मी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, उनके अटैक को रोकने के लिए जो आर्मी थी बेसिकली नॉर्थ की जो आर्मी थी ये रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, बिकॉज आपने पहले भी हमने देखा था कि इनके अरब्स के साथ और मुस्लिम रूलर्स के साथ बेसिकली इनका एक फाइट चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली अगर आपको नीचे साउथ में जाना है तो साउथ में राष्ट्रकूटास के साथ लड़ रहे थे, उनके लिए भी इनके पास एक डिवीजन था। ठीक है, और इसके अलावा पालास से लड़ने के लिए भी इनके पास एक डिवीजन था। ठीक है, नाउ देखिए इनके पास लगभग इनकी आर्मी में लगभग 2000 एलिफेंट्स। ठीक है, एलिफेंट की संख्या जो है इनकी आर्मी में थोड़ी कम थी, लेकिन वो बताता है, अलमसूदी बताता है कि इनकी जो कैवलरी थी ना वो बेस्ट थी पूरे इंडिया में। ठीक है, इनके इनकी जो कैवलरी है बेसिकली वो बेस्ट है पूरे हिंदुस्तान में उस समय के दौरान। ठीक है, अब क्या होता है जो प्रतिहारा रूलर्स थे ना, ये ग्रेट पैटर्न से लर्निंग के और लिटरेचर के, इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया लर्निंग पे और लिटरेचर पे। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया लर्निंग को और लिटरेचर को। ठीक है, इनके दौर में एक संस्कृत का बहुत फेमस पोएट था, संस्कृत का पोएट ही नहीं था वो, ड्रामेस्टिक भी था। ठीक है, राजशेखर, ये इन्हीं के महिपाला जो रूलर था बेसिकली प्रतिहारा रूलर महिपाला था बेसिकली, इसके कोर्ट के अंदर एक बहुत फेमस संस्कृत पोएट और ड्रामेस्टिक था जिसका नाम राजशेखर यहाँ पर बताया गया। ठीक है, देखिए और जो पतिहारा रूलर्स ना, इन्होंने कन्नौज के अंदर बहुत सारी फाइन बहुत खूबसूरत जो है बिल्डिंग्स बनाई, और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर टेम्पल्स भी इन्होंने बनाए। देखिए टेम्पल्स का यहाँ पर मैंने आपको फोटो दिया हुआ है, ये इस तरीके का इन्होंने कुछ यहाँ पर टेम्पल बनाया। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने टेम्पल बनाए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने टेम्पल बनाए, सिर्फ अपने इलाके में ही नहीं, इसके अलावा कन्नौज इनकी कैपिटल है यहाँ पर ही नहीं, इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी इन्होंने बहुत खूबसूरत से मंदिर बनाए और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई। ठीक है, देखिए अब क्या है, ड्यूरिंग 8th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच बहुत सारे जो इंडियन स्कॉलर्स थे ना, ये बगदाद के कोर्ट में भी गए। ठीक है, कैलिफ का जो कोर्ट था बगदाद, मैंने आपको बताया था जब मैं अरेबियन पढ़ा रहा था, अरेबिया के बारे में बता रहा था, तो बगदाद का जो कैलिफ था, बहुत सारे जो इंडियन स्कॉलर्स थे बेसिकली ये वहां पर बगदाद के कोर्ट में गए। ठीक है, और ये किस चीज के लिए जाते थे, ये इंट्रोड्यूस करते थे वहां पर इंडियन साइंसिस को, मैथमेटिशियन को, अल्जैबरा को और मेडिसिन को। ठीक है, बेसिकली अरब लोगों को इंडियन साइंसिस सिखाया करते थे, ठीक है, मेडिसिन सिखाया करते थे, इसके अलावा मैथमेटिक्स और अल्जैबरा बेसिकली बताया करते थे। ठीक है, देखिए हमें उस रूलर का नाम तो पता नहीं है जिसने अपनी एम्बेसीज भेजी बगदाद के कैलिफ के पास, लेकिन हम इतना इससे इसका अनु हम इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो प्रतिहारा था ना बेसिकली गुजर प्रतिहारा थे बेसिकली इनकी अरब के साथ नहीं बनती। क्यों? क्योंकि देखिए अरब के साथ ही हर वक्त क्या लड़ते रहते, ये लड़ते रहते गुजरात के बगल वाला जो सिंध वाला इलाका है, इनके छोटी मोटी लड़ाइयां जो है बेसिकली इनके साथ होती रहती हर वक्त, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि जो गुजर प्रतिहारा के रूलर्स हैं इनके जो एम्बेसीज है बेसिकली ये बगदाद नहीं पहुंची होंगी। लेकिन इसके बाद भी इनके पास क्या, गुजर प्रतिहारा एम्पायर के पास बहुत अच्छी कैवलरी थी, और कैवलरी के लिए आपको चाहिए हॉर्सेस, और जो हॉर्सेस हैं बेसिकली ये ट्रेड, इसका जो हॉर्सेस का जो ट्रेड है बेसिकली ये किया करते थे अरब ट्रेडर्स, तो अरब ट्रेडर्स इनको लेकर आया करते थे सेंट्रल एशिया से, और अरेबिया होते हुए इसको हिंदुस्तान पहुंचाया करते थे। देखिए अब जो गुज्जर प्रतिहारा अंपायर है इसके बीच और अरबों के बीच लड़ाई तो है, जरूर इनके बीच लड़ाई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्रेड इनके साथ किया करते थे। ठीक है, इनके साथ ही हमेशा से ट्रेड में इन्वॉल्व थे, और इसी ट्रेड का इनको बेनिफिट था कि इनकी जो कैबलरी थी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन देखिए इनके साथ अरबों के साथ इनकी लड़ाई तो थी, लेकिन ये अरब जो ट्रेडर्स थे बेसिकली गुजर प्रतिहारा जो रूलर्स के जो अंपायर्स थे, किंगडम्स के जो किंग थे बेसिकली, ये वेलकम किया करते थे अरब ट्रेडर्स को, बिकॉज देखिए अगर आप अरब ट्रेडर्स को वेलकम करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ट्रेडर्स आएंगे आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। देखिए अब मैंने आपको बताया था अल मसूदी के बारे में, जो गुजरात आता है तो वो गुजरात आ रहा है 915 से 916 के बीच में। ठीक है, 915 से 916 के बीच आ रहा है वो हिंदुस्तान, और वो बताता है कि जो ये प्रतिहारा रूलर है ना, इसके पास सी कोस्ट नहीं। ठीक है, वो बता रहा है इसके पास सी कोस्ट नहीं है। अब सी कोस्ट क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं आपको अब बता दूं। देखिए बिटवीन 1915 एंड 1918, ठीक है, जो राष्ट्रकूटा किंग था इंदिरा थ्री, इसने कन्नौज पे अटैक किया और डिवास्टेट कर दी पूरी सिटी को, उसने पूरी सिटी को जो है खंडर में तब्दील कर दिया। ठीक है, और वीकेंड कर दिया प्रतिहारा अंपायर को। ठीक है, और इसी दौरान क्या होता है बेसिकली ये जो अल मसूदी है ये हिंदुस्तान आता है। ठीक है, और जब ये हिंदुस्तान आता है तो इस समय जो प्रतिहारा रूलर है बेसिकली
ये राष्ट्रकूटा किंग इंदिरा थ्री से हार चुका होता है, और इनका जो बेसिकली गुजरात वाला रीजन है ये राष्ट्रकूटा के अंदर इस समय होता है। तो अब इनके पास क्या नहीं है, सी कोस्ट का इनके पास एक्सेस नहीं है। देखिए सी कोस्ट का एक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस जमाने में भी थी। देखिए सी कोस्ट का अगर आपके पास एक्सेस है ना, तो आपके लिए ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। हिंदुस्तान में अगर आप जितने स्टेट देख लें हिंदुस्तान के जिनके पास सी कोस्ट पे एक्सेस है, आप देखेंगे कि उनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू लैंड लॉक स्टेट्स। देखिए आप जितने लैंड लॉक कंट्रीज को देखते हैं उनके यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं होती है जितनी सी कोस्ट वाले कंट्रीज के पास, जितनी डेवलपमेंट के ऑप्शन होते हैं उतने ऑप्शन आप देखेंगे लैंड लॉक कंट्रीज के पास नहीं होते। क्यों? आप ट्रेड कितना ट्रेड आप रोड के थ्रू कर लेंगे, आपके कितना महंगा पड़ता है अगर आप रोड के थ्रू ट्रेड करते हैं। अगर ट्रेन के थ्रू भी करते हैं, आप ट्रेन के थ्रू भी करते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन अगर आप सी रूट के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आपको आसानी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीप होता है अगर आप सी रूट के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो इसी दौरान जब अल मसूदी हिंदुस्तान आया 915 916 के दौरान, तब तक ये जो राष्ट्रकूटा किंग थे ये इंदिरा थ्री, ठीक है, प्रतिहारा जो रूलर है बेसिकली, ये राष्ट्रकूटा किंग इंदिरा थ्री से हार चुके हैं। तो इसलिए वो कहता है कि गुजरात का जो कोस्ट है बेसिकली इस पर राष्ट्रकूटा का होल्ड है, और प्रतिहारा गुजर प्रतिहारा के पास अपनी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। लेकिन देखिए जो गुजर प्रतिहारा अंपायर है ना, अभी भी तब भी फाइट में थे, लेकिन इसके बाद एक और इनकी इनके एम्पायर पर अटैक होता है, ठीक है, और इस पर अटैक कौन करता है, राष्ट्रकूटा रूलर था कृष्णा थ्री, ठीक है, ये इन्वेड करता है नॉर्थ इंडिया को 963 एडी में और डिफीट कर देता है प्रतिहारा रूलर को, ठीक है। और यहां से जो है प्रतिहारा रूलर यहाँ से समाप्त होना, प्रतिहारा जो रूल है बेसिकली यहाँ से समाप्त होना शुरू कर देता है। बेसिकली क्या है, ये जो कृष्णा थ्री है ना, ये प्रतिहारा ये जो कृष्णा थ्री है राष्ट्रकूटा रूलर, ये प्रतिहाराओं की जो ताबूत थी ना उसमें आखिरी कील जो है वो ठोक देता है यहाँ, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम राष्ट्रकूटास के बारे में, ठीक है। देखिए अब हमने पहले सबसे पहले हमने पालास के बारे में देखा, फिर हमने देखा प्रतिहारास के बारे में, और हम देखने वाले हैं राष्ट्रकूटास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो पालास थे और प्रतिहारास थे ये बेसिकली फाइट कर रहे थे नॉर्दर्न इंडिया में, इनका होल्ड था नॉर्दर्न इंडिया में, और डेक्कन में जो होल्ड था ना ये था राष्ट्रकूटास का, ठीक है। ये जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी ना, इन्होंने बहुत सारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को प्रोड्यूस किया और एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये जो किंगडम था इसको फाउंड किया दंती दुर्गा ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको फाउंड किया है दंती दुर्गा ने, ठीक है। और इनकी जो पहली कैपिटल थी ना वो थी मन्याकेता। ये मन्याकेता जो है मॉडर्न डे सोलापुर को मन्याकेता कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मन्याखेत सोलापुर के आसपास जो इसके लिए आज का मॉडर्न डे सोलापुर है यही या तो मन्याखेत रहा होगा या यहीं पर मन्याखेत के इसके इर्द गिर्द ही सोलापुर के इर्द गिर्द ही मन्याखेत जो दंतीदुर्ग की जो कैपिटल है राष्ट्रकूटास की जो कैपिटल है वो यहाँ पर मौजूद रही होगी, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही इसने दंतीदुर्ग ने कैपिटल स्टैब्लिश की मन्याखेता के पास, कुछ ही समय के अंदर इन्होंने नॉर्दर्न महाराष्ट्र का जो रीजन है बेसिकली, नॉर्दर्न महाराष्ट्र का बेसिकली ये वाला जो रीजन है इन्होंने सारा अपने अंदर कर लिया, ठीक है। ये मालवा का रीजन अगर आप छोड़ दे तो ये वाला जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र का रीजन है बेसिकली कि इन्होंने अपने अंडर कर लिया, ठीक है। नाउ देखिए जो रूलर्स थे ना बेसिकली, ठीक है, ये जो रूलर्स है राष्ट्रकूटास के, ठीक है, ये गुजरात और मालवा को भी कंट्रोल करेंगे बाद के दौर में, ठीक है। देखिए ये हमेशा से लड़ाई के लिए ये हमेशा लड़ाई करते रहते हैं प्रतिहारास के साथ, ठीक है। प्रतिहारास के साथ इनकी लड़ाई जो है बेसिकली ये गुजरात और मालवा रीजन के लिए होती रहती है, ठीक है। देखिए अब ये देखिए यहाँ पर प्रतिहारास है, ठीक है, इस रीजन में प्रतिहारास है, अब प्रतिहारास और ये यहाँ पर राष्ट्रकूटास है, तो राष्ट्रकूटास बेसिकली ये मालवा और इस गुजरात रीजन के लिए राष्ट्रकूटास इनसे लड़ते रहे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रकूटास किनसे लड़ रहे थे, यहाँ पर जो पालास थे बेसिकली ये इनसे भी लड़ रहे थे। इसके अलावा साउथ के जो दूसरे रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है साउथ का बेसिकली इतना, ये वाला रीजन और ये नीचे का जो रीजन है बेसिकली, यहाँ पर भी जो राष्ट्रकूटास हैं हर वक्त लड़ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो गुजर प्रतिहारास है बेसिकली इनके लिए जो अलग से खतरा है वो अरब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो फोर्सेस हैं बेसिकली वो इंडियन फोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन ये जो राष्ट्रकूटास हैं ये साउथ में भी बहुत सारी पावर्स के साथ लड़ रहे हैं, मैं बताऊंगा साउथ के कौन कौन से पावर्स से लड़ रहे हैं। इसके अलावा ये गुजर प्रतिहारास से लड़ रहे हैं और पालास से लड़ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए ये साउथ में कौन कौन सी पावर के साथ लड़ रहे हैं। साउथ में देखिए जो मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश है यहाँ का एक यहाँ के जो किंगडम्स थे यहाँ के जो किंग्स थे चालुक्यन जो किंग्स थे बेसिकली वेंगी के जो चालुक्यन किंग्स थे वेंगी मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में है इनके साथ ये लड़ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा साउथ में ये पल्लवास कांची के जो पल्लवास हैं इनके साथ ये लड़ रहे हैं, ठीक है। और मदुरई के जो पंड्यास है बेसिकली ये है पंड्यास इनके साथ ये लड़ रहे हैं और ये पल्लवास के साथ बेसिकली ये लड़ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए
सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर्स हैं राष्ट्रकूटास के, वो है गोविंदा थ्री। इसका टाइम पीरियड है 793 से लेकर 814 तक, ठीक है, 814 तक। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे फेमस किंग है ये राष्ट्रकूटा का, वो है अमोघ वर्षा, 814 से लेकर 878, 814 से लेकर 878 तक, ठीक है। देखिए देखिए इस गोविंदा थ्री ने क्या किया, एक सक्सेसफुल एक्सपेडिशन चलाया नागभट्टा जो कन्नौज का राजा था इसके अगेंस्ट में, ठीक है, और इसने एनेक्स कर लिया यहाँ पर मालवा के रीजन को, बेसिकली यहाँ ये जो मालवा का रीजन है इसको इसने क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया, ठीक है। जब इसने इसको एनेक्स किया बेसिकली, यहाँ पर एनेक्स करने के बाद ये दोबारा से साउथ में चला गया। अब देखिए एक टेंडेंसी आपको दिखाई देगी राष्ट्रकूटा रूलर्स की, राष्ट्रकूटा जो रूलर्स हैं बेसिकली जब जब भी नॉर्थ में आ रहे हैं ना, ये प्लंडरिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लंडरिंग कर रहे हैं, और प्लंडर करके जो यहाँ से जो माल लेके जा रहे हैं दोबारा से अपने पास, दोबारा से अपने कैपिटल बेसिकली नॉर्दर्न महाराष्ट्र के रीजन में दोबारा से वापस चले जा रहे हैं, दोबारा से ये डोमिनेट कंसोलिडेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अपर गंगा वैली को, जबकि जो गुज्जर प्रतिहारा है ये ट्राई कर रहे हैं कंसोलिडेट करने की नॉर्दर्न इंडिया को, बेसिकली कन्नौज को ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रकूटास प्लंडरिंग कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से क्या कर रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि उन्होंने अटैक किया और पालास को पूरा बैटलफील्ड खाली छोड़ दिया, ठीक है, जिसके बाद पालास ने इसका बेनिफिट लिया, ठीक है। नाउ देखिए इसने भी सेम ही किया, इसने दोबारा से मालवा का रीजन जीता, कन्नौज पे आक्रमण किया और दोबारा से क्या कर दिया, अपने आप को अपने स्टेप बैक कर लिया और वापस आ गया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ऐसा करेगा, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो गोविंदा थ्री है ये जैसे ही कन्नौज को जीतेगा, कन्नौज में आक्रमण करेगा, उसके बाद मालवा को अपने अंडर कर लेगा, इसका एक बहुत बड़ा खौफ हो गया, ठीक है, इसने अपनी विक्ट्री से सब लोगों को अपने दबदबे के अंदर ला दिया और अपना एक कीर्तिमान रचित कर दे रही है, कीर्तिमान रच दिया। और उसके बाद इसका खौफ था पूरे इंडिया में जो रूलर्स थे बेसिकली, इसका जो खौफ था इन सारे रूलर्स के अंदर आ गया। अब देखिए इससे कौन कौन से लोग डर रहे थे, केरला के जो रूलर्स थे बेसिकली इससे डर रहे थे, ठीक है, पंड्या रूलर्स इससे डर रहे थे, चोला किंग्स बेसिकली इससे डर रहे थे, और पल्लवास बेसिकली ये सारे जो लोग हैं बेसिकली इससे बहुत ज्यादा, इसका इसका जो गोविंदा थ्री का जो खौफ है बेसिकली इनके अंदर था, ठीक है ना। जो गंगा रूलर्स थे कर्नाटका के, इसको भी इन्होंने जो गोविंदा थ्री है गंगा रूलर्स को भी इसने मारा, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टोरी को आप सुनिए, देखिए जो लंका के किंग थे और मिनिस्टर थे ना, लंका का जो किंग था और मिनिस्टर था, इसको भी ये लंका से उठाकर सोलापुर लाया और वहां की जो सोलापुर की जो जेल थी बेसिकली उसमें जाकर इसने उनको बंद कर दिया, ठीक है, बंदी बना दिया वहां जाकर, और इनको श्रीलंका से वापस लाकर हिंदुस्तान में बंदी बना दिया, ठीक है। इसके अलावा ये श्रीलंका से दो मूर्तियां लेकर आया, ठीक है, दो स्टैचूज लेकर आया, और वो स्टैचू किसके थे, लॉर्ड ऑफ लंका के थे, ठीक है, और इनको ये कैरी करके लाया मनिया खेत में, और मनिया खेत में जो शिवा टेम्पल था, इसलिए जो शिवा टेम्पल है बेसिकली भगवान शिव का जो मंदिर था, वहां पर इसको इन दोनों मूर्तियों को स्टैब्लिश कर दिया, वहां पर इन दोनों मूर्तियों को जमा कर रख दिया, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं अमोघ वर्ष की, अमोघ वर्ष ने लगभग 64 साल रूल किया, ठीक है, 814 से लेकर 878 तक इसने रूल किया, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसने आर्ट को, कल्चर को और रिलीजन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, इसका मानना ये था कि वॉर से ज्यादा ये बेसिकली फोकस करता था रिलीजन पे और लिटरेचर पे, ठीक है। ये खुद भी एक बहुत अच्छा ऑथर था, इसने कन्नड़ा में एक पोएटिक बुक भी लिखी, ठीक है। नाउ इसने बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनवाई, इसने बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाए, बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स इसने बनवाए, और इसने अपनी जो कैपिटल थी ना इसको बहुत ज्यादा सजा के रखा, ठीक है, इसने अपनी जो कैपिटल थी मनिया के इसको काफी ज्यादा खूबसूरत बना के रखा। और इसका कंपेरिजन यहाँ पर इंदिरा की जो सिटी है बेसिकली, इंदिरा की जो सिटी है बेसिकली उसके साथ भी यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। देखिए अमोघ वर्षा के रूल के दौरान बहुत सारे रिबेलियन हुए, ठीक है, इस रिबेलियन की वजह से क्या होता है कि कुछ जो पार्ट्स हैं बेसिकली वो टूट जाते हैं, ठीक है। अमोघ वर्षा की वजह, अमोघ वर्षा के रूल में कुछ जो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज हैं वो उभर कर आती हैं, और ये प्रिंसिपैलिटीज वही थी जिन्होंने रिबेलियन किया अमोघ वर्ष के दौरान, ठीक है। लेकिन इसका जो ग्रैंड सन है ना इंदिरा थ्री, 915 से 927 तक, ठीक है, ये दोबारा से रीस्टैब्लिश करेगा अपने अंपायर को, ठीक है। ये कन्नौज का जो राजा था ना महिपाला, ये जो इंदिरा थ्री है ये कन्नौज के राजा महिपाला को 915 में हरा देगा, ठीक है, और उस अपने समय का, ठीक है, अपने कंटेम्प्रेरी समय का ये सबसे मजबूत जो है मोस्ट पावरफुल किंग बनकर उभरेगा। देखिए ये जो अल मसूदी हिंदुस्तान आता है 915 916 में, ये गुजर प्रतिहारा के अलावा राष्ट्रकूटास के बारे में भी अपना अकाउंट छोड़कर जाता है, और ये बताता है कि दो किंग्स थे, बलहारा और वल्लभ राजा, ठीक है, ये बहुत ग्रेटेस्ट किंग थे अपने जमाने के, ठीक है, अपने टाइम के बहुत बड़े ग्रेटेस्ट किंग थे, और इनकी जो सुजरेनिटी थी वो हर इंडियन किंग एक्सेप्ट करता था, ठीक है, और इनके जो इनवॉइस थे उनके रिस्पेक्ट थे, ठीक है, और इनके पास जो राष्ट्रकूटास थे बेसिकली इनके पास बहुत बड़ी
आर्मी थी, और आर्मी के अलावा इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो गुज्जर प्रतिहारा थे इनके पास 2000 एलिफेंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्यूमरेबल एलिफेंट्स, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2000 से ज्यादा इनके पास एलिफेंट्स रहे होंगे। ठीक है, अब कृष्णा थ्री के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कृष्णा थ्री का जो रूल है बेसिकली ये है 934 से लेकर 963। जो कृष्णा थ्री है ना, जो लास्ट रूलर्स हैं बेसिकली राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, ठीक है, राष्ट्रकूटा किंगडम्स के जो बेसिकली जो लास्ट रूलर्स हैं, उनमें सबसे ब्रिलियंट जो रूलर है बेसिकली कृष्णा थ्री है। ठीक है, और ये इंगेज था परमारास ऑफ मालवा के साथ और ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी के साथ। ठीक है, वेंगी मैंने आपको पहले बताया था वेंगी के बारे में। ठीक है, बेसिकली इसकी जो फाइट है इनके साथ चल रही थी, परमारास ऑफ मालवा के साथ और ईस्टर्न ऑफ चालुक्यास के साथ। ठीक है, इसने जो है एक्सपेडिशन लॉन्च किया चोला रूलर ऑफ तंजौर के। ठीक है, और ये जो चोला रूलर थे ना तंजौर, इन्होंने पल्लवास, जो कांची के पल्लवास थे, इनको पहले ही हरा दिया था। ठीक है, और जो कृष्णा थ्री था इसने डिफीट किया चोला किंग प्रतका वन को। कब डिफीट किया? 949 AD के दौरान इसने चोला किंग को डिफीट किया और एनेक्स कर लिया चोला एम्पायर का जो नॉर्दर्न हिस्सा है। बेसिकली अगर आप देखें चोला किंगडम का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ये चोला किंगडम का नॉर्दर्न हिस्सा है बेसिकली, इस हिस्से को बेसिकली इसने क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया। जब इसने चोला किंगडम के नॉर्दर्न हिस्से को एनेक्स कर दिया तो यह फर्दर और साउथ में जाता है, और फर्दर साउथ में जाकर यह रामेश्वरम में एक अपना विक्ट्री पिलर बनवाता है। ठीक है, विक्ट्री पिलर बनाता है, और नीचे जब यह विक्ट्री पिलर बनवाता है उसके बाद ये एक लॉर्ड शिवा का वहां पर टेम्पल भी बनाता है। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रकूटा, जैसे ही ये जो कृष्णा थ्री है इसकी डेथ होती है, बिकॉज देखिए जब राष्ट्रकूटा राष्ट्रकूटा के अंदर जब इसका रूल था कृष्णा थ्री का, तो ये सबके साथ वॉर में इंगेज था। जैसे ही इसकी डेथ होती है, बेसिकली इसकी डेथ होती है जैसे ही, तो क्या होता है कि राष्ट्रकूटा जो अंपायर है बेसिकली वो टूटने लगता है। ठीक है, और इन 972 में, 972 के अंदर, 972 में, 972 AD के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इनकी जो कैपिटल है खत्म हो जाती है, बेसिकली युद्ध में ये हार जाते हैं और राष्ट्रकूटा एम्पायर का जो है यहाँ पर डिक्लाइन शुरू हो जाता है, मतलब एंड यहाँ पर राष्ट्रकूटा एम्पायर का हो जाता है। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रकूटा एम्पायर थे बेसिकली इन्होंने डेक्कन में रूल किया ऑलमोस्ट 200 सालों तक इन्होंने रूल किया, और एंड ऑफ 10th सेंचुरी तक ये बेसिकली रहे। देखिए 972 मैंने आपको बताया कि कैपिटल को बंद कर दिया जाता है, तो एंड ऑफ 10th सेंचुरी तक बेसिकली ये यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो राष्ट्रकूटा से ना, ये हर रिलीजन को बेसिकली ये एक्सेप्टेंस करते थे, हर रिलीजन को ये एक्सेप्टेंस देते थे अपने रूल के अंदर। बेसिकली इनके रूल के अंदर सेवाइट्स थे, वैष्णवाइट्स थे और जैनिज्म थे। ठीक है, जैन जो लोग थे बेसिकली वो भी इनके रूल के अंदर रहते थे। ठीक है, इसके अलावा सेवाइट्स रहते थे और वैष्णवाइट भी इनके अंदर रहते थे। ठीक है, देखिए इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है वो है फेमस रॉक कट टेम्पल। ठीक है, जो फेमस रॉक कट टेम्पल है ना एलोरा का, ठीक है, जो शिवा के ऊपर बेस्ड है, शिवा जो टेम्पल है बेसिकली, ठीक है, वॉज बिल्ट बाई द राष्ट्रकूटा किंग कृष्णावन। जो कृष्णावन है बेसिकली इसने ये रॉक कट टेम्पल बनवाया था एलोरा में। ठीक है, नाउ अब देखिए जो अमोघ वर्षा था जिसको मैंने आपके जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जो अमोघ वर्षा बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म को ही फॉलो करता है। देखिए जैन धर्म को फॉलो करता है, इसलिए देखा होगा आपने कि इसका रूल जो है वो लंबा तो जरूर था, लेकिन इसके रूल के दौरान काफी ज्यादा क्या हुआ, बाद के दौर में काफी ज्यादा इसके अगेंस्ट रिबेलियन हुआ लास्ट के कुछ दौर में। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात लिखी गई है कि मुस्लिम ट्रेडर्स को क्या करते थे, सेटल करने में यहाँ पर मदद किया करते थे। मुस्लिम ट्रेडर्स यहाँ पर हिंदुस्तान में आते थे ना, उनको सेटल करने के लिए इन्होंने बहुत सारा इलाका भी दिया, और ये बिलीव इन्होंने मुस्लिम जो प्रीचर्स थे बेसिकली इनको अलाउ किया कि आप मुस्लिम जो टीचिंग्स हैं बेसिकली इनको आप स्प्रेड कर सकते हैं। बेसिकली इस बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं इनको अलाउ किया अपने रूल के अंदर। ठीक है, इस्लाम की टीचिंग को किस तरीके से अलाउ किया, बेसिकली सबसे पहले जो अरब ट्रेडर्स थे, जो अरब ट्रेडर्स थे इनको सेटल करने में मदद की, और उसके बाद यहाँ के जो मौलवीज थे बेसिकली जो अरब ट्रेडर्स के जो मौलवीज थे इनको अलाउ किया, और इसके अलावा इन्होंने मस्जिद बनाने की भी अनुमति दी। देखिए जब इन्होंने अनुमति दी मस्जिद बनाने की और ट्रेडर्स को सेटल किया है वहां पर, तो इससे इनको ही बेनिफिट था, राष्ट्रवाद को इससे ये बेनिफिट था कि बेसिकली ट्रेड इजीली हो सकता था। ठीक है, नाउ ट्रेड के लिए ही इन्होंने जो मुस्लिम मुस्लिम ट्रेडर्स को यहाँ पर सेटल करने की अनुमति दी। ठीक है, नाउ अब देखिए जो राष्ट्रकूटास थे ना बेसिकली ये ग्रेट पैटर्न थे आर्ट और लिटरेचर का। ठीक है, आर्ट और कल्चर के बहुत ज्यादा पैटर्न थे, बहुत ज्यादा फॉलो बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया करते थे आर्ट और कल्चर को। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनके कोर्ट में संस्कृत के स्कॉलर्स ही नहीं थे, इसके अलावा अदर लैंग्वेजेस के भी स्कॉलर थे। ठीक है, प्राकृत के भी इनके यहाँ स्कॉलर्स थे, और एक और जो यहाँ पर लैंग्वेज दी हुई है वो अभ्रमाशा। ठीक है, देखिए
बहुत सारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं बाद में ये अब्रमासा से ही निकलेंगी। और ग्रेट अब्रमासा पोएट, ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेट अब्रमासा पोएट के बारे में दिया गया है श्याम बाबू, ठीक है, श्याम बाबू, और इसका सही नाम शायद यही होगा श्याम बाबू। ये और इनके बेटे बेसिकली राष्ट्रकूटा कोर्ट में ही रहते थे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।